हाय फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं आपका होस्ट कोमल नहाटा दोस्तों आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम बात करेंगे वीकेंड बिजनेस की लेकिन आज का सोमवार अन्य सोमवारों से अलग है बिकॉज टुडे इज इंडिपेंडेंस डे सो लेट मी स्टार्ट दिस एपिसोड बाय विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्राइडे को दो फिल्में लगी थी आरक्षण एंड फिर तो आइए शुरू करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट द बिजनेस वीकेंड बिजनेस ऑफ आरक्षण आरक्षण ने फ्राइडे को शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं ली कोर्स शाम के और रात के शोज बढ़ गए कलेक्शंस बढ़ गए लेकिन ओवरऑल जो फ्राइडे का दिन था वॉज इंट वेरी बाउंटफुल एट द बॉक्स ऑफिस फॉर आरक्षण इसके कई कारण थे एक तो विवाद जो विवाद खड़े हुए थे इस फिल्म को लेकर उससे ऑडियंस के माइंड में कंफ्यूजन हो गया था सेकेंडली तीन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने स्टेट्स में यह फिल्म को बैन कर दिया था द फर्स्ट गवर्नमेंट टू बैन दिस फिल्म वॉज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मायावती गवर्नमेंट ने यह कहा कि इस फिल्म में जो कंटेंट है बहुत सेंसिटिव है और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो सकता है स्टेट में इसलिए उन्होंने इस फिल्म को दो महीनों के लिए बैन कर दिया पंजाब फॉलो सूट पंजाब आल्सो बैन द फिल्म एंड आंध्र प्रदेश वाज़ द थर्ड स्टेट हु सेड दिस फिल्म कैन नॉट बी स्क्रीन इन आर स्टेट तो इस वजह से भी कलेक्शंस कमजोर थे अफकोर्स प्रकाश झा इन तीन स्टेट्स के खिलाफ इन तीन स्टेट्स के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए टू गेट द बैन ऑन द फिल्म लिफ्टेड सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कल होगी ट्यूसडे को होगी बट इन द मीन टाइम जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया तो फ्राइडे को कलेक्शन हुए पौने पांच करोड़ जी हां जस्ट 4.75 करोड़ बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फ्राइडे को कलेक्शंस इतने कम थे ऑल्सो बिकॉज यूपी में ये फिल्म नहीं चली पंजाब में फिल्म नहीं चली एंड आंध्र प्रदेश में भी नहीं चली एंड जहां पर चली फॉर इंस्टेंस हरियाणा में वर ओकेजन्स वेन द एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट लोकल एरिया आस्ट द सिनेमा वाला टू डिसकंटिन्यू द फिल्म फियरिंग टेंशन फियरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसलिए गुड़गांव में फरीदाबाद में उधमपुर इन जम्मू एंड कश्मीर वहां पर भी कलेक्शंस अफेक्ट हुए बिकॉज कुछ शोज चल के बाद के शोज रद्द कर दिए गए शाम को अफकोर्स कलेक्शंस बढ़े फ्राइडे शाम को और रात के शोज अच्छे थे बट ओवरऑल द डे क्लोज एट अप्रॉक्सिमेटली फोर पॉइंट सेवन फाइव करोड़ सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए स्पेशली इन द मल्टीप्लेक्सेस सबसे बड़ा जंप सैटरडे को हुआ बॉम्बे सर्किट में गुजरात में फॉर इंस्टेंस द कलेक्शंस ऑलमोस्ट डबल्ड एज कंपेयर टू फ्राइडे और इसलिए सैटरडे का नेट कलेक्शन का फिगर था करीब सवा छह साढ़े छह करोड़ जी हां फोर से जंप लगाकर इट वेंट अप टू सिक्स टू फाइव सिक्स करोड़ संडे को कलेक्शन और भी बढ़ गए एंड द टोटल वेंट अप टू सेवन और सेवन करोड़ और संडे को कलेक्शन इतने बढ़ने का एक और कारण यह भी था कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सैटरडे को ही बैन हटा दिया था लेकिन बाय द टाइम द शोज हेल्ड इट वाज पार्ट ऑफ सैटरडे हैड गॉन तो इसका मतलब है हम वीकेंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं विच टोटल 18 टू 18.75 पॉइंट करोड़ ऑलमोस्ट 19 करोड़ के कलेक्शन वैसे देखा जाए तो यह फिगर कोई बुरा नहीं है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जितना किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा बिकॉज इस फिल्म को फ्री पब्लिसिटी जो मीडिया हाइप मिल गया था थैंक्स टू द कंट्रोवर्सीज़ सराउंडिंग इट थैंक्स टू इतने सारे जो विवाद हुए इस फिल्म को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दी फिल्म अलग अलग जगहों पर टेंशन हुआ उन सब बातों को कंसिडर करके दिस फिगर इज नॉट वेरी इंप्रेसिव एंड इसके कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को जब लोग ये फिल्म देखने गए उन्हें आरक्षण के बारे में कम और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज्यादा लगी खैर विल कम टू दैट लेटर वेन वी डू एन इन डेप्थ इंडलिस ऑफ द फिल्म टू से दैट द थ्री डे वीकेंड वॉज गुड नॉट वेरी गुड और आज भी छुट्टी है दोस्तों आज नेशनल हॉलिडे है इंडिपेंडेंस डे की फिफ्टींथ ऑगस्ट की और इसलिए कलेक्शंस आर बाउंड टू बी वेरी वेरी गुड तो फोर डे वीकेंड कितना होगा दैट वी विल गेट टू नो ओनली एट द एंड ऑफ टू बट थ्री डे वीकॉज फेयर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये तो हुई आरक्षण की बात दूसरी जो फिल्म रिलीज हुई थी फ्राइडे को वो थी फिर एंड फिर वॉज नॉट एबल टू विदैंड द कॉम्पिटिशन ऑफ आरक्षण क्योंकि उसके कलेक्शन बहुत ही कमजोर थे शुरुआत भी बहुत वीक वेरी स्लो स्टार्ट द फिल्म गॉड एंड सैटरडे और संडे को भी कलेक्शन बढ़े मगर बहुत कम बढ़े एंड दे इट कुनी डिबल मार्क एट द बॉक्स ऑफिस टिकट विंडोज पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई एक तो स्टारकास्ट बहुत बड़ी नहीं थी इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक न्यू कास्ट फिल्म अदा शर्मा रजनीश दुग्गल रोशनी चोपड़ा ये कोई सेलेबल स्टार्स नहीं है इसकी वजह से भी इस फिल्म को शुरुआत नहीं मिली प्लस इट वॉज वेरी वेरी पुअरली प्रमोटेड इसके प्रमोशंस बहुत अच्छे नहीं थे और इसलिए अवेयरनेस जो होती है पब्लिक के ध्यान में ये फिल्म थी भी नहीं दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई दिस फिल्म डिड नॉट स्टार्ट वेल एंड द कलेक्शन डिड नॉट पिक अप ड्यूरिंग द वीकेंड तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा बिजनेस एनालिसिस ऑफ द वीकेंड गॉन बाय आइए बात करते हैं कुछ सिनेमा वालों से और उनसे जानते हैं कि वीकेंड में उनके यहां कलेक्शन कैसे रहे फिल्मों ने कैसे परफॉर्म किया क्या ट्रेंड रहा एंड मोर इंपॉर्टेंटली आज कलेक्शन कैसे हैं तो so, सबसे पहले हमारे साथ हैं मिस्टर अजय राठी हु इज अ लीडिंग एग्जिबिटर ऑफ सीपी फी अजय जी वेलकम टू तो ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस कोमल नाहटा बोल रहा हूं गुड इवनिंग गुड इवनिंग थैंक यू कोमल जी अजय जी आरक्षण फिल्म रिलीज हुई थी फ्राइडे को तो आपके चेन ऑफ सिनेमाज में कैसे परफॉर्म किया इस फिल्म ने मूवी uh, की रिपोर्ट्स मिक्स है कोमल जी हाँ हाँ और बालकनी क्लास पसंद कर रही इस मूवी को सिर्फ okay. ऐसा लग रहा लिटरेट क्लास ही मिल रहा है माफिस बहुत कम पसंद कर रही है अच्छा। उनकी ऑक्युपेंसी बहुत कम है कलेक्शन अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट रहे अच्छा सेकंड डे अराउंड फिफ्टी परसेंट रहे ओके और थर्ड डे अराउंड सिक्सटी फाइव परसेंट ही हुए जो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी छुट्टियों की वजह से संडे को तो ऐसे मतलब एटलीस्ट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट होना चाहिए था हाँ वेरी नॉर्मल विद गुड मूवीज करेक्ट मगर अनफॉर्चुनेटली मासेस बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है ऐसे लग रहा है मूवी को लेक्चरबाजी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो फिर मासेस को नहीं पसंद आता है uh, पॉसिबल और आज इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी की वजह से थोड़ा तो बेनिफिट मिलेगा करीब कल जितनी है मगर अच्छा संडे जितनी ही कलेक्शन आज भी है ओके और फिर फिर जो रिलीज हुई थी नहीं वो बिल्कुल नहीं जमी है वो बिल्कुल नहीं जमी ये छुट्टियों का भी बेनिफिट नहीं मिला थैंक हाँ। यू शुक्रिया ओके शुक्रिया जी और अब हमारे साथ है लोकल फिल्म रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अजमेर मिस्टर एस के पटनी पटनी साहब वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू मुझे ये बताइए फ्राइडे को जो फिल्म रिलीज हुई थी आरक्षण और फिर तो पहले बताइए आरक्षण की ओपनिंग और आरक्षण का परफॉर्मेंस अजमेर में कैसे रहा सर आरक्षण फ्राइडे के तो कलेक्शन कुछ कमजोर थे, कमजोर थे काफी कमजोर थे काफी कमजोर थे ओके। पर बाद में पिक्चर सैटरडे संडे पिक्चर बहुत अच्छी हो गई है ओके तो कुछ राखी का फेस्टिवल था करेक्ट संडे है करेक्ट तो ये छुट्टियां मिलने से पिक्चर काफी अच्छी हो गई है ओके okay, वेरी गुड पिक्चर बुद्धिजीवों की पिक्चर है समझदार लोगों की तो आम पब्लिक थोड़ी इससे दूर है आम पब्लिक थोड़ी दूर मल्टीप्लेक्स में तो बहुत ही अच्छी है पिक्चर सिंगल स्क्रीन सिनेमा में कमजोर है अच्छा सिंगल स्क्रीन सिनेमा में काफी कमजोर है हाँ जी ओके ओके और वो दूसरी फिल्म जो लगी फिर फिर का लगना नहीं लगना बराबर ही था कोई उसका कोई विशेष अच्छा, फर्क पड़ा नहीं मतलब इतने कमजोर हाँ जी उसको एक तो, तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल गया आरक्षण को उसकी भेंट चढ़ गई और आज इंडिपेंडेंस डे के दिन भी आरक्षण के कलेक्शन अच्छे है छुट्टी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वीकेंड तो उसको अच्छा ही मिला है बस एक फ्राइडे थोड़ा कलेक्शन कमजोर रहे फ्राइडे कमजोर है तो वो प्री रक्षाबंधन का दिन था कुछ पब्लिक सिनेमा में आने से घबरा रही थी करेक्ट करेक्ट हाँ सारी बातें सारी बातें हो गई साथ में हाँ बाकी पिक्चर समझदार लोगों के लिए है और अच्छी जेंट्री आ रही है अच्छी जेंट्री जेंट्री फिल्म है और अच्छी जेंट्री आ भी रही है बिल्कुल धन्यवाद शुक्रिया